1 नवंबर 1973 को जन्मी ऐश्वर्या राय आज पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही है। शायद इसलिए वह आज पर्दे पर कम दिखती है। ऐसे में अगर ऐश्वर्या राय की शादी से पहले की बात करें तो उस समय यह अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के साथ ही अफेयर्स को लेकर खूब चर्चा में रहती थी। ऐश्वर्या काफी खूबसूरत भी दिखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश्वर्या शादी से पहले कितनों के साथ अफेयर्स में रह चुकी है? नहीं ना, तो हम आपको आज बताएंगे। आप आगे तक वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव मूलचंदानी की। खूबसूरत ऐश्वर्या राय ने 1954 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसी साल इनका नाम मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ जुड़ा था। ये दोनों अक्सर एक साथ देखे जाते थे। इनको लेकर यह भी खबरें सामने आई थी कि ऐश्वर्या की खूबसूरती पर फिदा होकर राजीव ने मनीषा कोइलकेरा को छोड़ दिया था। राजीव मूलचंदानी 1990 के दशक में काफी फेमस मॉडल थे, हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसके बाद हम बात करेंगे सलमान खान की। 1948 में एक बार फिर ऐश्वर्या अपने करियर को लेकर सुर्खियों में रही। इस बार इनका सलमान खान के साथ जुड़ा। सलमान और ऐश्वर्या की यह लव स्टोरी संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से हुई थी। लंबे समय तक इनके अफेयर के चर्चे चल रहे थे, लेकिन बाद में सलमान के बुरे बर्ताव के किस्से भी सामने आए। यह रिश्ता भी ब्रेकअप की लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे विवेक ओबेरॉय के। इसके बाद एक बार फिर ऐश्वर्या का अफेयर 2003 में चर्चा में रहा। इस बार उनकी लव स्टोरी में एक्टर विवेक ओबेरॉय का नाम शामिल था। ये दोनों जहां इस रिश्ते से खुश थे, वहीं सलमान खान काफी नाराज थे। विवेक ने इसका खुलासा भी किया था और ऐश्वर्या के साथ उनकी नजदीकियों से सलमान खान उन्हें धमकियां दे रहे थे। वक्त के साथ ये रिश्ता भी कुछ समय बाद टूट ही गया। इसके बाद हम बात करेंगे अभिषेक बच्चन की। ऐश्वर्या के अफेयर्स में 2006 में आखिरी नाम अभिषेक बच्चन का शामिल हुआ। ऐश्वर्या और अभिषेक की लव स्टोरी फिल्म गुरु के सेट पर हुई और फिल्म बंटी और बबली के आइटम सॉन्ग्स में इनका प्यार और बढ़ा। ऐसे में फिल्म गुरु के सक्सेस पार्टी में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज कर दिया। इसके बाद 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक ऐश्वर्या के प्रेमी से पति बन गए। तो ऐश्वर्या के इन अफेयर्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।